चलिए दोस्तों, रेशियो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे। पहले तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर सोल्व करेंगे। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा एज रिलेटेड क्वेश्चंस। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर आज आप मेरे साथ आज की क्लास में पूरा आखिरी तक बने रहते हैं तो एज वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आप चुटकी बजा के कर देंगे और आपको कभी भी फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना अच्छे से मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एज रिलेटेड क्वेश्चंस। अभी एमपी पुलिस ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें मेस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में हमें दिया है आयु, यानी एज रिलेटेड क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज की क्लास में हम एज रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने रेशियो के कुछ क्वेश्चंस को किया था और दोस्तों हमने उससे पहले की क्लास में बेसिक्स को समझा था। आज हम एज रिलेटेड क्वेश्चंस को समझेंगे, सोल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, जो जो आपको लगे सब कर देना है। आयु, पहले दोस्तों इसका थोड़ा सा बेसिक समझेंगे हम और इसके बाद क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। आयु दोस्तों आपकी और मेरी और हो सकता है किसी भी व्यक्ति की आयु, ये हमसे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। 19 साल मेरी एज है, ये मेरी आयु है। आपकी कुछ एज होगी, वो भी आपकी आयु होगी। ठीक है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, बस आपके साथ डिस्कस करता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तरीका है आयु। तो भाई आयु हमसे जो सवालों में पूछी जाती है वो होती है भाई प्रेजेंट की आयु हो सकती है, पास्ट की आयु हो सकती है, या फिर वो आयु हो सकती है फ्यूचर की। ठीक, आयु पास्ट की हो सकती है, प्रेजेंट की हो सकती है, या फ्यूचर की हो सकती है, ये एक कॉमन बात है। इन तीन के अलावा कोई चौथा ऑप्शन हमारे पास है नहीं। ठीक, तो ये हमारे पास आयु होती है। आपके लिए एक और यहाँ पर जो समस्या होती है वो मुझे भी हुई थी शुरू शुरू में जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा था, वो था कि हमें कभी कभी लिख कर देता है डायरेक्ट कि ए और बी की आयु 2:3 में है। तो हम सोचते हैं कि पास्ट की आयु, प्रेजेंट की आयु या फ्यूचर की आयु, ये किस वाली आयु की यानी एज की बात कर रहा है हमसे कि भाई ए और बी हैं, उनकी आयु का अनुपात 2:3 है, लेकिन ना पास्ट लिख के दिया, ना प्रेजेंट लिख के दिया, ना फ्यूचर लिख के दिया, तो हम क्या माने। तो इसमें दोस्तों करना ये है कि पास्ट और फ्यूचर अगर इनकी बात की जाएगी तो हमें डायरेक्ट लिख कर दिया जाएगा, लेकिन प्रेजेंट की बात की जाएगी तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो लिख कर दे। जहाँ पर ये दो नहीं दिया गया है वहाँ पर हम क्या मानेंगे, प्रेजेंट को मानेंगे। जैसे हम कहते हैं ना ये दो लिखा है तो इसके आगे, ऐसा दो नहीं बनता है, ये दो लिखा है तो इसके आगे कौन सा साइन है, कौन सा चिन्ह है, हम क्या बोलते हैं, भाई ये तो प्लस का है क्योंकि यहाँ माइनस लगा नहीं है, और अगर माइनस होता तो डायरेक्ट हमें लिख के देता। तो ऐसे ही हमको समझना है कि हमें अगर कुछ नहीं दिया है तो हम क्या समझेंगे कि प्रेजेंट की आयु की बात की जा रही है, वर्तमान की आयु की बात की जा रही है। डस्टर कहाँ गया, एक मिनट। इतना समझ आया। इसके बाद हमने जो पहले कॉन्सेप्ट समझा था पहली क्लास में और दूसरी क्लास में उसके क्वेश्चंस किए थे, पूरा के पूरा एज वही है, उससे बाहर कुछ नहीं है एज में। कैसे, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ए और बी हैं, हो सकता है उनके पास पैसे हों, वजन हो, एज हो, कुछ भी हो, कि ए और बी जिनका अनुपात 2:4 है, 2:5 है, 2:6 है, जो मानना है मान लो। ठीक, जब उनमें से 9 घटा दिया जाता है या 9 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात बदलकर 3:2 हो जाता है, ये क्वेश्चन हमने किए थे। सेम एज में यही होता है कि हमें दो लोगों के बीच का
अनुपात दिया होता है, संबंध दिया होता है। जैसे कैसे कि हम मान लें कि एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, आयु का अनुपात 2:3 है, ठीक है। तो ये इनकी आयु का अनुपात हो गया। इनकी कुल आयु की बात की जाए, ए की कुल आयु, तो ये मैंने आपको बताया था ए की कुल आयु हो जाएगी 2x और बी की कुल आयु हो जाएगी 3x। ऐसा क्यों, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और ये आयु इनकी कौन सी आयु है, वर्तमान आयु है। अगर लिख कर नहीं दिया है पास्ट और फ्यूचर तो हम क्या मानेंगे कि वो प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो ए की आयु 2x और बी की आयु 3x और ये आयु का अनुपात है। अब हमसे ये बोल दिया जाएगा कि 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था, तो हम कुछ नहीं करेंगे 2x-10, क्योंकि 10 वर्ष पहले हमें पीछे जाना है तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, और 3x में से भी हम क्या घटा देंगे 10, और इनका जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4:5। ये वाले क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में इसीलिए किए थे क्योंकि एज हो, वजन हो, पैसा हो, पूंजी हो, सब में केवल यही कंसेप्ट चलता है, नाम बदलेगा, कंसेप्ट वही है। अगर मान लो बात की जाती कि 10 वर्ष बाद, तो हम कुछ नहीं प्लस में 10 कर देते। ये कंसेप्ट है, इसी से हमारे एज के सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब हम क्वेश्चंस को करते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही सारे क्वेश्चंस सोल्व कर लेंगे अपने आप से, ठीक है। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और हर बार ये जरूरी नहीं होता कि हमें पास्ट से फ्यूचर में जाना है या फ्यूचर से पास्ट में जाना है। आप क्या करें कि ये जो हमारी पेन भी खत्म होने वाला है, ये जो हमारा प्रेजेंट है, क्या है ये प्रेजेंट, इधर चलेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा फ्यूचर, और इधर चलेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा पास्ट। आप हर बार इधर से इधर जाने की कोशिश करें और इधर से इधर जाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं हो कि हमें फ्यूचर का क्या दिया है, रेशियो दिया है, और हम वहाँ से प्रेजेंट में जा रहे हैं। आप प्रेजेंट में जो रेशियो दिया रहेगा भी समझेंगे, उससे फ्यूचर में जाएं और उसी से पास्ट में जाएं। आप ये कोशिश बिल्कुल ना करें कि पास्ट से फ्यूचर डायरेक्ट और फ्यूचर से पास्ट। अभी ये समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें अब भी समझ में आएगी आप, बस पेन ना खत्म हो मेरा, ठीक है। क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी अच्छे से पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें। सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। देखो अभी हमें डायरेक्ट लिख के दिया है वर्तमान अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तदनुसार 6 वर्षों बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट कठिन क्वेश्चन पे आ गए, सरल क्वेश्चन बोलूं, चलो इसको सोल्व करें। आप वीडियो को पोस्ट करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। तो एक व्यक्ति है सुमित, पेन खत्म हो गया, और एक व्यक्ति है प्रकाश, ठीक है। आयु का अनुपात है 2:3, और ये कौन सी आयु है भाई हमारे पास, प्रेजेंट वाली, ठीक है। अब क्या कहा गया है, सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तो सुमित की कुल आयु कितनी हो जाएगी 2x, प्रकाश की कुल आयु कितनी हो जाएगी 3x, और हमें क्या कहा गया है, जो हमारा सुमित है, ये सुमित, ये प्रकाश से किसने कितने वर्ष छोटा है, ये प्रकाश से कितने वर्ष छोटा है, 6 वर्ष छोटा है। तो हम लिख देते हैं भाई सुमित जो है 6 वर्ष छोटा है, ये डायरेक्ट बुक में लिख के देते हैं ऐसा आंसर में आप देखोगे। अब ये समझ नहीं आ पाता कि यार ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो गया कि 3x में से 2x घटा दिया और इक्वल में 6 आ गया,
तो आप पहले अच्छे से समझो इसको, सुमित ये जो प्रकाश है इससे कितने वर्ष छोटा है, 6 वर्ष छोटा है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो प्रकाश है वो सुमित से कितना बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा है। ऐसा कर सकते हैं ना हम इसको, भाई हमसे कहा गया है सुमित प्रकाश से 2 वर्ष 6 वर्ष छोटा है, तो हम ऐसा बोल देना कि हमारा प्रकाश सुमित से 6 वर्ष बड़ा है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। इसलिए ऐसा होता है। और ये 2x को हम जब इस साइड ले जाते हैं तो ये माइनस का 2x हो जाता है। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास x इजिकल्स टू आएगा 6। इस x की वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, यहाँ। ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 18। हमसे बोला गया है कि 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात, तो +6 करना है, +6 करना है। ये हो जाएगा 18 और ये कितना हो जाएगा, 24। इसको काटेंगे 3 से, इसको काटेंगे 4 से, तो 3:4 ये हमारा सिंपल से आंसर आ जाएगा। बात समझ नहीं आई, एक और बार समझें। चलो ठीक है, एक और बार समझते हैं। सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो कुल आयु 2x और 3x हो जाएगी। ठीक है, अब हमसे बोला गया है कि जो सुमित है वो प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तो हमने बोल दिया ठीक है ना भाई कि हमारा जो सुमित और प्रकाश की आयु का अंतर है वो कितना है, 6 वर्ष है। यानी कि हमने इसको दूसरी भाषा में समझा कि जो हमारा सुमित है वो प्रकाश से कितने वर्ष छोटा है, भाई 6 वर्ष छोटा है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। तो हम 2x को 3x के साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x बराबर 6। माइनस चिन्ह में फर्क हो जाता है, मतलब माइनस प्लस में कुछ होता नहीं है क्योंकि ये एज है, एज माइनस में नहीं होती। तो हमारे पास x की वैल्यू 6 आई, x की वैल्यू यहाँ रखी और ये यहाँ पर रखी, तो ये हमारे पास वर्तमान आयु आई। हमसे 6 वर्ष बाद का बोला है, हमने 6 जोड़ दिया, हमारा अनुपात निकल कर आ गया। ऐसे ये सवाल आसानी से सॉल्व होते हैं। चलो भाई अगले सवाल की ओर तरफ और चलें। चलो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रम से है 36 तथा 50 वर्ष है, तदनुसार यदि एन वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाए तो एन का मान कितना होगा। इसमें एक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। चलो पहले सवाल को सोल्व करते हैं। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु 36 और 50 है, हम मान लेते हैं एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। क्या दिया है हमें, वर्तमान आयु का अनुपात 36 और 50। इसके बाद क्या बोला है हमें, एन वर्षों बाद उनकी आयु, तो 36 प्लस एन 50 प्लस एन और आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं इसको 2 से काट के इसको ऐसा लिख देते हैं 18 और 25। इससे भी आंसर आएगा लेकिन इससे आप एक धोखा खा जाते हो। कैसे, पहले इससे सोल्व करें। तो 4 × 24 का 4, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 14, ऐसा ही होगा ना। 4 × 24 का 4, 8 × 2 = 2, 4 × 3 = 12 और 2 = 14 +4n = में ये हो जाएगा भाई 150 और प्लस ये हो जाएगा 3n। तो 4n में से 3n जाएगा तो ये बचेगा n और ये बचेगा हमारे पास 6, यही बचेगा ना। हमसे क्या पूछा है, n का मान बताओ, तो एन का मान कितना आ गया, डायरेक्ट 6 आ गया। लेकिन अगर आप इसको काट के करते हैं तो काट के करेंगे तो 18 + n और 25 + n बराबर ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3/4। तो 18 चुपके होता है 72 प्लस 4n = ये हो जाएगा 75 प्लस 3n। ठीक, तो हमारे पास n = आ जाएगा 3। अब यहाँ पर जो ये n = 3 आया है इसमें आपको 2 का इंटू करना पड़ेगा क्योंकि आपने यहाँ पर 2 से भाग दिया है, तो यहाँ पर 2 से लास्ट में इंटू करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करोगे तो ऑप्शन नंबर 3, 3 ही लगा के घर, बात समझ आई, ऐसा करना पड़ता है। ऐसे करके ये सवाल हमारे सोल्व होते हैं। आगे चलें, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करें, आ जाएगा।
चलो अगला सवाल क्या है। यदि 4 वर्ष पहले पी और क्यू के बीच की आयु का अनुपात 5:6 था और वर्तमान में दोनों की आयु का योग 52 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या था? अब देखो, वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है और हमें अनुपात किसका दिया है? पास्ट की आयु का। अनुपात कभी नहीं बदलता आयु का, ये बात ध्यान रखना। आज मेरी आयु अगर 19 साल है और आपकी अगर 21 साल है, तो आज से 10 साल बाद भी हमारी आयु में उतना ही गैप रहेगा जितना कि आज है। यानी कि अनुपात स्थिर रहता है आयु के मामले में, अनुपात नहीं बदलता। बदलता है क्या? समय बदल जाता है, एज बदल जाती है। ठीक, क्या दिया गया है? 4 वर्ष पहले पी और क्यू के बीच आयु का अनुपात 5:6 था। ठीक है, ये है पी, ये है क्यू। क्या है अनुपात? 5:6। और ये कब का है भाई? 4 वर्ष पूर्व का है। ठीक है, अब हमें पता है कि इनकी कुल आयु क्या हो जाएगी, 5x और 6x। ठीक, ये हमें 4 वर्ष पहले का अनुपात दिया है। अब अगर हमें वर्तमान में लाना है, तो हमें 5x में प्लस 4 करना पड़ेगा, 6x में प्लस 4 करना पड़ेगा, तब तो वर्तमान आयु आएगी हमारे पास। ये तो 4 वर्ष पहले का अनुपात है। अगर इसे प्रेजेंट में लाना है, तो हम इसमें 4 जोड़ेंगे ना। जैसे मैं बोलूं कि 4 साल पहले मेरी आयु 15 साल थी, तो वर्तमान में आयु कितनी है? तो आप बोलोगे 19 साल। और अगर मैं बोलूं कि 4 साल पहले मेरी आयु 15 साल थी और आज से 4 साल बाद मेरी आयु कितनी होगी, तो आप कितना करोगे? 15 में 8 जोड़ोगे, यानी कि 23। ये बात भी आप ध्यान रखें, इसकी प्रैक्टिस कर ले आप थोड़ी सी। आज मेरी आयु, अपने आप से प्रैक्टिस करें, आज मेरी आयु 15 साल है, 6 वर्ष पहले कितनी होगी? 15 में 6 घटाना पड़ेगा। आज मेरी आयु 15 साल है, 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 20 हो जाएगी, 5 जोड़ना पड़ेगा। वर्तमान में मेरी आयु 15 साल है, 3 वर्ष पहले कितनी है? 3 घटाना पड़ेगा। ठीक है, पास्ट में मेरी आयु 10 साल थी, आज से 20 साल बाद मेरी आयु कितनी हो जाएगी? ये भी आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। ये ऐसे करके आप इसकी प्रैक्टिस करें। इसलिए मैंने यहाँ पर 4 क्या किया है? जोड़ा है। क्या बोला है? 4 वर्ष पूर्व पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:6 था। हमने कहा ठीक है भाई, कुल आयु 5x हो गई, 6x हो गई, लेकिन ये कौन सी है? 4 वर्ष पहले वाली है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा, तब वर्तमान आयु आएगी। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक, आगे क्या कहा गया है? दोनों की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है। तो ये कौन सी आयु है भाई हमारे पास? प्रेजेंट वाली। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि 5x+4+6x+4, तो ये 52 आएगा। यानी कि ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 8, है ना, बराबर 52। 8 को उस साइड ले जाएंगे तो 11x=2 आ जाएगा 44। 11 से इसको काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमसे क्या पूछा गया है? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान आयु ये, इसमें आपको 4 का मान रखना पड़ेगा, x का मान रखना पड़ेगा। अगर 4 वर्ष पहले का पूछते तो इसमें वैल्यू रखते, हमसे वर्तमान पूछा है तो वर्तमान ये है, तो ये हो जाएगा भाई 24। 4 रखेंगे तो 5 20 और 4 24, 4 6 24 और 4 28। इसको काट दो आप, कितने से 4 से कट जाएगा, तो 4 6 24, 4 7 28, 6:7, ये इनकी वर्तमान आयु का अनुपात होगा। गारंटी देता हूं कि आपको समझ आई होगी बात, और नहीं आई होगी तो एक बार वो समझें। पी और की 4 वर्ष पहले का अनुपात ये है, हमने माना भाई 5x और 6x इनकी कुल आयु है। अब हमें पास्ट से वर्तमान में आना है, तो 4 वर्ष पहले के दिए हैं, तो हम 4 जोड़ेंगे तब तो वर्तमान में आएंगे ना। 15 साल मेरी 4 साल पहले उम्र थी, तो आज क्या है? 19 साल। तो ऐसे करके इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक, ये हमारे पास आंसर ऐसे आता है। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, अरे यार सीधा हो जा, ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है, ए की वर्तमान आयु 27 वर्ष है, तो बी की आयु क्या होगी? ए और बी की वर्तमान आयु का प्रेजेंट आयु क्या दिया है? अनुपात 3:4 है और हमारे पास ए की आयु दी है कितने वर्ष है भाई? ये 27 वर्ष है, बी की आयु बताना है। तो देखो अनुपात में ए के आयु की वैल्यू क्या है, 3x है, और बी की आयु की वैल्यू क्या है, 4x है, ये कुल आयु। तो 3x इज इक्वल्स टू हमें 27 दिया है, x इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 9, हमसे बी की आयु पूछा है, यहाँ पर वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा 9×36, तो x तो बी इज इक्वल्स टू 9, 4×9 यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। ऐसे कर सकते हो, एक तरीका ये है डायरेक्ट, या आप इसको कैसे कर सकते हो कि हमें 27 आयु दी है किसकी, ए की, और बी की आयु पूछी, डायरेक्ट कर दो, तो 3 से ये गया 9×9=36, ये हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके ये सवालों को हम सोल्व करते हैं। ये एक कंसेप्ट है और ये कई बार पेपर में घुमा देता है। अब यहाँ पर देखो, एक व्यक्ति का कहा था कि ए की वैल्यू कितनी दी है हमें, 27। मान लो ये कहा जाता कि दोनों की आयु का योग 27 है, तो हम 4 और 3 को जोड़ते, 27 में भाग देते, और जिसकी आयु पूछते उसकी आयु का इंटू कर देते, ए का बोलते तो ए का इंटू कर देते, बी का बोलते तो बी का इंटू कर देते। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि जब आंसर आते हैं तो मज़ा आता है, और नहीं तो जीवन संघर्ष टाइप का लगता है। अगला सवाल, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है तथा 10 वर्ष बाद ए की आयु 50 हो जाए, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? अब देखो भाई, ए और बी की आयु का अनुपात हमें क्या दिया है, 5:7, पाँच अनुपात सात ये हमें दिया है, तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, 5x और 7x। भाई मैं वो नहीं कर सकता, मुझे वो समझ में भी नहीं आता, और मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करता कि आप उस ट्रिक से क्वेश्चन को सोल्व करो। ये सबसे बेस्ट है, ये यूनिक तरीका है, सबसे मस्त तरीका है, पुरानी मेथड है, यूनिक नहीं है, मज़ा आता है इसी से करने में। ठीक है, क्या बोला है, 10 वर्ष बाद ए की आयु 50 हो जाएगी। ठीक है, कहाँ गया ये? अब बोल रहे हैं हमें वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया है, 5:7 है तथा 10 वर्ष बाद ए की आयु 50 हो जाएगी। तो भाई अनुपात हमें ये प्रेजेंट में क्या दिया है, 5 और 7, और ए की हमें आयु कितनी दी है, 50 दी रखी है, तो कुछ नहीं है, 5 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 5x की वैल्यू 50 दी है, तो 5 से इसको आप काट दो, 10 वर्ष बाद ए की आयु 50 होगी, गलती करो, 10 वर्ष बाद ए की आयु 50 होगी, यानी कि प्रेजेंट में उसकी आयु कितनी है, 40 है, 10 वर्ष बाद 50 होगी, तो आज कितनी है, कॉमन सेंस की बात है, ये 40 है, और ये कॉमन सेंस देखो अभी कैसे गड़बड़ा गया। भाई आपकी आयु, आपकी एज आज 30 है, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। अब आपको ऐसा पूछा जाए कि आपकी एज 10 वर्ष बाद 40 हो जाएगी, तो वर्तमान में आपकी एज कितनी है, आप कह दोगे 30 है। वही तो किया है कि ए की और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, कुल आयु हमने मान लिया 5x है ए की और बी की 7x है, और हमसे कहा गया है कि ए की जो आयु है वो 10 वर्ष बाद 50 हो जाएगी, तो वर्तमान में कितनी है, 40 है, और हमें इसकी वैल्यू दी रखी है 5x की कितनी, 40, क्योंकि रेशियो में कितनी है वैल्यू, 5x, और हमें आयु में कितनी दी है, संख्या में कितनी दी है, 40, तो x बराबर 40/5, यानी कि कितना आ जाएगा ये, 5×8=48 8 बार,
हमसे क्या पूछा है, बी की आयु पूछा होगा तो कुछ नहीं है, 8 7 56 डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। क्या पूछा है, बी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो कुछ नहीं है, बी में इसका इंटू कर दो तो 8 7 56 56 ये हमारा आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु 5 7 है, 5x और 7x ये इनकी कुल आयु हो गई, प्रेजेंट में 40 है क्योंकि वर्तमान वर्तमान से 10 साल बाद 50 होगी ना, तो प्रेजेंट में कितनी है 40, तो 5x की वैल्यू 40 है तो हमने x की वैल्यू निकाली, जो आएगा उसका यहाँ पर मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है, ये जो हमने कॉन्सेप्ट समझा था ना सारे बस उसी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला सवाल, एक व्यक्ति, अरे सवाल ही नहीं है, कटा पट्टा पड़ा है, एज वाले सवाल कहाँ है भाई, इतने सवाल हैं क्या मेरे पास एज वाले, मैं देखूं एक मिनट, मैंने सवाल तो इतने सारे इकट्ठे किए थे, सवाल कहाँ गए, चलो ये है ना सवाल, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, इन दोनों की आयु में कितना डिफरेंस है, ये सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। आप क्या मान लेंगे भाई, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, 10 वर्ष बाद तो +10 कर देंगे आप, किसमें 9x+16x में, और इक्वल में कितना कर देंगे 2/3 कर देंगे, और आप इसको सोल्व कर देंगे, जो भी आयु आएगी उन दोनों को आप माइनस करो, मतलब एक दूसरे में से घटा दो, जो भी अंतर आएगा वही आपका आंसर होगा। सीता और उसके पुत्र की वर्तमान आयुओं का अनुपात 5:2 है, 7 वर्ष बाद ये अनुपात 2:1 हो जाएगा, पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु कितनी थी, सीता और उसके पुत्र की आयु कितनी है, वर्तमान आयु का अनुपात 5:2, ये सीता है भाई, ये उसका पुत्र है, 5:2 ये क्या दिया गया है हमें, अनुपात दिया गया है, 7 वर्ष बाद ये अनुपात 2:1 हो जाएगा, तो 5x और 2x इनकी कुल वैल्यू हो जाएगी, 5x+7 और 2x+7 कितना हो जाएगा अनुपात, 2:1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x+7 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4x+14, तो x=7 आ जाएगा। हमसे क्या बोला है, पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु कितनी थी, 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35, जन्म के समय, यानी कि 14 आप इसमें से क्या कर दो माइनस कर दो, तो ये बचेगा 1 और ये बचेगा 2, माइनस क्यों किया, जन्म के समय तो लड़के की कोई एज ही नहीं होगी, और हमें क्या दिया गया है, एज 14 साल है, तो 14 घटा दो, जन्म के समय माता की आयु पता चल जाएगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरे कंसेप्ट किस चीज़ पर डिपेंड है, वो उस कंसेप्ट पर जो हमने पहली क्लास में समझा था, इसके अलावा और कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक, अगला सवाल क्या है, मोना और विकास की आयु का अनुपात 9:10 है, 4 वर्ष बाद ये अनुपात 11:22 हो जाएगा, मोना की वर्तमान आयु कितनी है, ये भी आप कर लेना। ये सवाल करते, 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था, देखो ए और बी 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले कितना था, 3:5, ठीक है, तथा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, वर्तमान आयु क्या है उनकी प्रेजेंट में, 2:3 है, उनकी आयु क्या होगी। देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको वर्तमान से फ्यूचर में जाना है और वर्तमान से पास्ट में जाना है, तो ये हमारे पास वर्तमान वैल्यू है, हम यहाँ से कहाँ चलेंगे, पास्ट में जाएंगे, 10 वर्ष पहले की बात की है ना, तो हम भाई इसको मान लेंगे कि ये 2x है और ये कितना है 3x है, आप इधर से इधर आएंगे, एक बार आप गलती कर सकते हैं, आप वर्तमान से फ्यूचर में जाएं कोई दिक्कत नहीं है, आप
वर्तमान से पास्ट में जाएं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आज आपकी आयु अगर 27 साल है, 5 साल बाद क्या होगी, तो आप 27 में डायरेक्ट 5 जोड़ दोगे, 32। आपकी आज एज 20 साल है, 10 साल पहले कितनी होगी, आप डायरेक्ट -10 कर दोगे, 10 साल। तो हम कहाँ से वर्तमान से फ्यूचर में जाएंगे, वर्तमान से पास्ट में जाएंगे, तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन है उसको करने में आसानी मिलेगी और मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो हमसे क्या कहा गया है, 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था तथा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, उनकी आयु क्रम से क्या होगी। अब 10 वर्ष पहले कहा है, तो 2x में से आपको 10 घटाना पड़ेगा, 3x में से आपको 10 घटाना पड़ेगा, तो जो अनुपात आएगा वो कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है और इसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है भाई। वर्तमान आयु 2x 3x है और 10 वर्ष पहले अनुपात 3:5 है, तो वर्तमान में से 10 घटाओ बराबर में 3:5 लिखो, ऐसे 3:5 करना है, इंटू पिंटू मारो, तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10। इधर से लिखूं ये कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10x, और ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 9x, और ये हो जाएगा 30। तो भाई ये हमारे पास बचेगा x = 20। हमसे क्या पूछा है वो देख लें, उनकी आयु क्या होगी। तो भाई 20 वर्तमान आयु पूछा ना, ना उनकी आयु क्या होगी, आयु बोला है, प्रेजेंट और पास्ट लिख के नहीं दिया, फ्यूचर लिख के नहीं दिया, तो हमें क्या मानना है, प्रेजेंट मानना है। तो हम डायरेक्ट उनकी क्या निकालेंगे, वर्तमान आयु 20 × 40, ये किसकी आयु आ जाएगी, ए की। 20 × 60, ये किसकी आयु आ जाएगी, बी की। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। अंतर पूछते तो 60 में 40 घटा दो, योग पूछते तो जो उनको जोड़ दो, मान लो अनुपात पूछते तो 40/60 कर दो, गुणनफल पूछते इंटू पिंटू तो 6 × 4 कर दो, तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अरे बहुत इजी सवाल है यार, आप लोग तो इतने इंटेलिजेंट हो, मैं आपके साथ कहाँ लग रहा हूँ, ठीक है। एक मेथड को पकड़ के चलना है, एक कंसेप्ट को पकड़ के चलना है, सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है भाई। अब क्या कहा गया है, अगला सवाल, मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है, 4 वर्ष बाद ये अनुपात 11:16 हो जाएगा। देखो वर्तमान आयु क्या दिया है, मोना और विकास, तो वर्तमान आयु का अनुपात हमारे पास क्या दिया है भाई, ये दिया है 3:5 है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया है, अरे 9:10 है, 9:10 है, तो 9x 10x, ठीक है, ये हो गया। 4 वर्ष बाद ये अनुपात 11:12 हो जाता है, तो 9x+4 करो, हमें वर्तमान से कहाँ जाना है, फ्यूचर, 10x+4 करो, अनुपात कितना हो जाएगा, 11:12 हो जाएगा, तो 9x+4 10x+4 = 11/12, सोल्व करो 108। ये बहुत इजी होता है सोल्व करने, इसमें कोई ज़्यादा कठिन वाली बात नहीं है। और अगर ऐसा रहे ना कि एक की कमी है, जैसे यहाँ 11 यहाँ 12 है, यहाँ 11 यहाँ 12 है, तो आप देखना है क्या आएगा, आंसर देखना भी, 12 × 9 = 108 और 12 × 48 = 48, ये एक्स है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 110x, और ये हो जाएगा 44। माइनस करो तो 2x = ये माइनस होगा तो 4, 2 से ये गया 2 बार, x = 2 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। हमसे क्या पूछा है, मोना की वर्तमान आयु कितनी है, तो मोना कहाँ है, ये है, मोना की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, कौन सी होगी, अब आप ये सोचें, वर्तमान आयु ये वाली होगी कि ये वाली होगी भाई, ये वाली होगी, ये नहीं होगी, ये फ्यूचर की आयु है 9x+4, ये किसकी आयु है, 4 वर्ष बाद की आयु, वर्तमान आयु, ये पहचानना आना चाहिए, अगर ये नहीं पहचान पाए तो सब खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये है इसकी वर्तमान आयु, कुछ नहीं, 2 की वैल्यू यहाँ रख दो,
ये मोना की वर्तमान आयु आ गई। ठीक, ऐसे करके ये सवाल सोल्व होते हैं। आज की क्लास में एज का ये चैप्टर खत्म। इससे ज़्यादा एज के सवाल और नहीं है, और हम करेंगे, और मैं देखूंगा कठिन सवाल मिलेंगे तो हम जरूर सोल्व करेंगे। अब दोस्तों ये एज वाला चैप्टर हम खत्म कर रहे हैं। आप यूट्यूब पर देखें, नेट पर देखें, आपको कुछ क्वेश्चन लगते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएं, हम सोल्व करेंगे। देखो मैं एक बार फिर आपको बेसिक समझा दूं। ए और बी, इनमें अनुपात दिया है 2:3, 2x और 3x, ये मान लीजिए वर्तमान की बात की है, तो 2x और 3x, 10 साल बाद की बात करें तो 2x प्लस 10, 3x प्लस 10, 5 साल पहले की बात कर रहा है तो 2x माइनस 5, 3x माइनस 5, बस इतना ही है, इतना तो सोल्व करना आना चाहिए। ये आ गया आपको, आपने कर दिया। आपसे पूछा वर्तमान आयु बताओ, x की जो वैल्यू आएगी यहाँ इंटू कर देना। आपसे कहा गया 10 साल बाद की आयु बताओ, जो पूछा जाएगा x का आएगा वैल्यू, वो उसमें इंटू कर दो। जो आपसे पूछ ले कि इनकी 5 साल पहले की आयु बताओ, तो आप क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, जो आएगा माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये है वर्तमान, ये है फ्यूचर और ये है पास्ट। इतने ही सवाल है, इससे ज़्यादा एज में कोई सवाल नहीं है। और अगली क्लास में और हम थोड़े कठिन सवाल और करेंगे, हालांकि ये भी बहुत कठिन सवाल माने जाते हैं लेकिन होते नहीं। मैं इसका तो रूल यही है, समझ में आ गया तो क्या कठिन है। चलो भाई अब बेसिक्स क्वेश्चन की ओर चलें। कुछ देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन से ये हमें बहुत कुछ चीज़ें सिखा देते हैं। जैसे कि मैं सवाल निकालूं, ये सवाल सब मैं ना आपके लिए बहुत ढूंढ ढूंढ के लाता हूं कि इनसे मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझने में आसानी होगी, मगर सवाल मिलते नहीं हैं, पता नहीं कहाँ चलेगा। मिल जा रे मिला क्या? नहीं ये भी नहीं है, सवाल कहाँ चले गए। चलो मिल गया सवाल। ए और बी का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है, तो ए का मान कितना है? ये देखो ये सवाल है ना, एमपी गवर्नमेंट पूछती है एग्जाम्स में। एमपी गवर्नमेंट में जो एग्ज़ाम होते हैं वो खासकर इसी प्रकार के सवाल पूछते हैं, चाहे एमपी पुलिस हो, चाहे सब इंस्पेक्टर एसआई हो। जैसे अभी इथिक्स की बात करूं तो इथिक्स में सवाल किस प्रकार से पूछे गए कि लिख कर दे दिया और ये बताओ कि विचारधारा किसकी है। लेकिन यूपीएससी और एमपीपीएससी के अगर ऊंचे लेवल के क्वेश्चंस की बात करें तो वहाँ उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि विचारधारा किसकी है, उनको इस चीज़ से मतलब है कि इस विचारधारा से आपको सीख क्या मिलती है। उनको वैज्ञानिक नहीं चाहिए, उनको सिविल सर्वेंट चाहिए, उनको एक ऐसा नैतिक अधिकारी चाहिए जो समाज में अच्छे काम कर सके, समाज में अच्छी विचारधाराओं को पैदा कर सके। ठीक है, लेकिन छोटे लेवल के एग्जाम्स में यही पूछे जाते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, ए और बी 4:5 है, उनके वर्गों का अंतर 81 है। अब या तो आप डायरेक्ट 5 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कर दो, 81 लिख दो, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा कितना 16, और ये हो जाएगा 81। तो 16 25 में 16 गए तो ये बचेंगे 9, 81, 9 से इसको काटोगे तो 1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 9 आई। अब हमसे ए का पूछा जाएगा तो ए में इंटू कर दो, तो ए हो जाएगा हमारा कितना 36, बी का पूछा है तो 45, ये ए और बी की आयु आ गई जो भी पूछा जाए। तो ये हमसे इस प्रकार से सवाल करवाता है। अब मान लो कुछ लोगों को ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि यार इनने एक की वैल्यू, ये एक क्या है, तो आप कुछ मत करो, आप एक्स मान लो, 4x और 5x, तो 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 81 ये हमें दिया है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास,
नाइन। ऐसे भी आप कर सकते हो, दोनों तरह से आप कर सकते हो, ये कंसेप्ट है। इस प्रकार के कई बार सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, आगे चलें, सोल्व करेंगे आप। चलो सवाल है, तीन संख्याएं 5, 7, 12 के अनुपात में हैं, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। इस सवाल को आप सोल्व करें। चलो सोल्व करते हैं। क्या बोला गया है, तीन लोग, तीन क्या है, 5, 7, 12 के अनुपात में हैं, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है। चलो ए बी सी, ये तीन संख्याएं दी गई हैं हमें, ठीक। अनुपात क्या है, 5, 7 अनुपात 12 है, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या, तो 5x 7x 12x, ऐसा कर लिया करो, समझ में ना आए तो। ठीक, अब क्या कहा गया है, पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तो 12x+5x = कितना दिया है, पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, ये 50 कर दिया, तो 12 5 17x = ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 50+7x, इसको इस साइड लाएंगे तो ये 10x = 50, 0 से 0 गया, x की वैल्यू आई 5। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वो तीनों संख्याओं का योग कितना है, तो 5 25+5 7 35+12 5 60, तो ये हो जाएगा 0 2 3 5 और 6 11 और 1 12, 120 आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेना, फिर आप खुद सोल्व करना, इतना तो अब आप कर ही सकते हो मेरे को मालूम है। ठीक है, और नहीं है तो फिर इसको रिवाइंड करके देखो। चलो आगे चलते हैं। दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है, उन संख्याओं का अनुपात क्या है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है, तो ए प्लस बी, ये दो संख्याएं हैं ए और बी, मान लो ए और बी दो संख्याएं हैं, ए प्लस बी यानी कि इनका योग इनके अंतर से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो ए प्लस बी इक्वल टू 3a और ये हो जाएगा 3b। ठीक है, तो ये बचेगा 2a और ये बचेगा कितना भाई, इसको इस साइड ले जाएंगे तो 4b बचेगा ना, 3a इधर गया, 4b यहाँ, सही है। तो हम लिख देंगे भाई a/b = 4/2, और ये गया 2 बार 1 बार, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2:1, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, इनको सोल्व करना हर इंसान को आना चाहिए, मैं हूँ चाहे आप हो। अगले सवाल की ओर बढ़ें। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 और उनका गुणनफल 320 हो तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कितना है। ये तो मतलब जनरल की क्वेश्चंस हैं। क्या कहा गया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 हो, ए और बी दो संख्याएं, अनुपात 1:5 है, 5 × 1, या तो 5x × x कर लो, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम समझदार हो चुके हैं, हम क्या करेंगे, 5 × 1 = हमें कितना दिया है, 320 दिया है, यही बोला है ना, कहाँ गया, हाँ उनका गुणनफल 320 है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, हम 5 से इसको काटेंगे, 5 × 6 = 30 और 2 इधर जाएगा, 5 × 6 = 20, तो 1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 64 आई। अब हमसे क्या बोला गया है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा, संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, तो 64 एकम 64 कर दो,
वो 64 × 5 कर दो, और जब आप इनका स्क्वायर निकाल के माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1536। देखो इसको है ना आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक तरीका तो ये है, सरल हो जाएगा। ये है एक्स और ये है 5x, हमें कहा गया 5x × x = 320, ये दिया गया, तो 5x² = 320, 5 से इसको काटेंगे ये आ जाएगा 64, ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा कितना 8। तो 8 की वैल्यू आप कहाँ रखेंगे, 8 × 8 और 8 × 5 = 40, ऐसा। अब आप 40 का स्क्वायर करें, 8 का स्क्वायर करें, माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि ये भी करके बताऊं, चलो इसको भी कर देते हैं, ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर 1600, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, इसको आप घटाओगे तो 1536, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। ये वाली मेथड सही है, उससे करते तो गेफ हो जाता बहुत ज़्यादा। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मोबाइल की स्टोरेज भी जाने वाली है, ठीक है। इतने सवाल बहुत हैं आज की क्लास में, चलो कुछ सवाल और करते हैं। हमें कहा गया है 3 संख्याओं का योग 540 है, पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है, और पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 2:7 है, तो तीसरी संख्या क्या है। देखो भाई, हम मान लेते हैं ए बी और सी, ये 3 संख्याएं हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये हमें कितना दिया है, ये वैसे आपको सब दिमाग में करना है, पेपर में ऐसा करके नहीं देखना है, कितना दिया है 540 दिया है। अब क्या कहा गया है भाई, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है, दूसरी और तीसरी संख्या बी और सी का अनुपात दिया है 9:13, है ना, और पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 2:7 है, पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 2:7 है। अब यहाँ पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आप समझें, बी और सी का दिया है, ए और सी का दिया है, हमें ए और बी का भी तो चाहिए, क्योंकि हम ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, और इन तीनों को मर्ज कर देंगे तब हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाएगा, पहली क्लास याद करो, तब हम दो तीनों को जोड़ेंगे और ये रखेंगे 540 के डिवाइड में, और इंटू करेंगे संख्या नंबर 3 का, क्योंकि 3 हमसे पूछा है, ठीक है। यहाँ पर कंसेप्ट है, कैसे कंसेप्ट है ये समझो, बी और सी का अनुपात क्या दिया है 9:13, 9:13 है, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। ए और सी का अनुपात क्या दिया है 2:7, तो हम इसको सी अपॉन ए करके इंटू कर देते हैं, इधर भी क्या कर देते हैं सी अपॉन ए करा ना, तो 7/2 ये हम कर देते हैं बी अनुपात सी ए। अब ये मैंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, देखो भाई बी अनुपात सी दिया है, ए अनुपात सी दिया है, हमें ए अनुपात बी चाहिए, हमें क्या चाहिए ए अनुपात बी चाहिए, क्या चाहिए हमें ए अनुपात बी चाहिए। तो ए अनुपात बी हमको कैसे मिल सकता है, कि हम बी बटे सी में ऐसा कर दें कि सी बटे ए से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास बी अनुपात ए आ जाएगा, हम इसको पलट लेंगे ए और बी आ जाएगा, या बी और ए जो भी मिल जाए हमें, क्योंकि हमें ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो हमें तीनों चीज़ें चाहिए, तो हम ए अनुपात बी या बी अनुपात ए निकालने के लिए क्या करेंगे, बी बटे सी 9/13, ठीक है, इंटू सी बटे ए, तो सी बटे ए हमारे पास क्या हो जाएगा 7/2, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब देखो सी से सी कैंसिल, तो बी अपॉन ए इक्वल्स टू ये हो जाएगा 7 × 63 और 13 × 26, बी की वैल्यू हमारे पास 63 आ गई, ए की वैल्यू 26 आ गई। अब देखो यहाँ पर समस्या क्या है, कि सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13 है, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 है, चेंज हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हम कुछ ऐसा करेंगे कि वैल्यू सेम हो जाए, किसकी सी की सेम हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास
26, बी की वैल्यू कितनी हो गई 63 हो गई, ए की वैल्यू कितनी हो गई कहाँ गया 26, बी की वैल्यू कितनी हो गई 63 हो गई। अब हमें क्या करना है, सी की वैल्यू को समान बनाना है। तो देखो जब हम बी अनुपात सी में यानी कि 9/13 में किसका इंटू करें कि वैल्यू समान आ जाए, देखो यहाँ पर कितना है बी की वैल्यू 63 है तो हम यहाँ पर कितने से गुणा कर देंगे 9 से, वो 7 से, तो हमें नीचे भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7 9 का 63 और 13 7 कितना हो जाएगा 13 7 91। ठीक, ये हमने क्या करा है बी की वैल्यू यहाँ से बना ली, और अगर यहाँ सी की वैल्यू कितनी है 7 है तो हमको ऐसा कुछ इंटू करना पड़ेगा कि हमारी वैल्यू सेम हो जाए। तो 13 7 91, ये हमने 91 बना लिया। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई होगी मुझे पता है, ये कंसेप्ट ही थोड़ा ऐसा है। फिर से समझ, ये कंसेप्ट ही ऐसा है कि इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। देखो भाई बी और सी का अनुपात हमारे पास दिया है 9:13, ए और सी का अनुपात दिया है हमारे पास कितना दिया है 2:7 है ना, 2:7 दिया है। बी सी दिया है, ए सी दिया है, हमें ए बी भी तो चाहिए, तो हम ए अनुपात बी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि बी बटे सी में इंटू कर दें हम सी बटे ए का। तो बी बटे सी यानी 9/13 में हमें किसका इंटू करना पड़ेगा भाई 7/2 का, तो ये हो जाएगा कितना 9 7 63, 13 2 का 26, ए की वैल्यू कितनी आई 63, बी की वैल्यू कितनी आई 26। अब हमें सी की वैल्यू चाहिए, यहाँ सी की वैल्यू कितनी है 13 है, यहाँ सी की वैल्यू कितनी है 7 है, और वैल्यू हमें कैसी होनी चाहिए समान होनी चाहिए। तो हम कुछ नहीं करते, यहाँ पर हम इंटू कर देंगे 7 का, यहाँ पर इंटू कर देंगे 13 का, तो 13 7 91 और 13 7 91, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 91। तीनों को जोड़ो आप, 6 और 3 9 और 1 10 0, 7 और 2 9 9 9 18, 320। हमें किसकी पूछी है 91 की पूछी है, 0 से 0 गया, ये जाएगा भाई कितनी बार, इसको काट दें हम 9 से काटे आएगा नहीं 4 से, कितने से 2 से काटे तो 9 बार, 2 से काटे तो 16 बार, और तो कटना चाहिए यार, कुछ गड़बड़ी की क्या पॉइंट में आंसर है, पॉइंट में तो आंसर है नहीं, 3 से कटे आएगा ये 3 3 9 नहीं कटेगा। छः और 3 9 और 1 10 का 0, हाँ 320 क्यों लिखा, 540 है यार, 540/180×91, ये 0 से ये 0 गया, 18 से ये गया 3 बार, 3 1 3 3 9 27, 273, ये आपका आंसर है। ये समझ में आना चाहिए बस आपको, ये तो सब आप कर लोगे फिर। ठीक, तो दोस्तों इतने सवाल थे, कुछ और भी सवाल हैं लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगली क्लास के लिए भी कुछ बचे। तो दोस्तों इतने सवालों को हमने किया है, आने वाली क्लास में और क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद।